गीता प्रेस विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के शेखपुर इलाके की एक इमारत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन और मुद्रण का काम कर रही है। इसमें लगभग 200 कर्मचारी काम करते हैं। यह एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है। देश दुनिया में हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं की बिक्री कर रही है। गीता प्रेस को भारत में घर घर में रामचरितमानस और भगवत गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री लगभग 20 निजी थोक दुकानों के अलावा हजारों पुस्तक विक्रेताओं और 52 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बने गीता प्रेस के बुक स्टॉलों के जरिए की जाती है। गीता प्रेस सरकार या किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं लेता है। गीता प्रेस में प्रतिदिन 50,000 से अधिक पुस्तकें छपती हैं। यहाँ कुल 15 भाषाओं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया, गुरुमुखी, नेपाली और उर्दू में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। गीता प्रेस की पुस्तकें लागत से कम दाम पर बेची जाती हैं और ख़ास बात यह है कि गीता प्रेस अपनी पुस्तकों में किसी भी जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं छापती है और न ही कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है। देश विदेश की जानी मानी हस्तियां गीता प्रेस का दीदार कर चुकी हैं। सेठ जी जयदयाल गोयंदका ने गोरखपुर को गीता प्रेस के रूप में एक ऐसी सौगात दी है जो गोरखपुर की पहचान बन गई है। 23 अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की और लागत मूल्य से भी कम कीमत पर आम जनमानस को सरल और सुलभ गीता व रामचरितमानस उपलब्ध कराई है। गीता प्रेस अपने इस उद्देश्य पर आज भी काम कर रहा है। इसके अलावा गीता प्रेस ने हिंदू धर्म की अन्य धार्मिक पुस्तकों को भी सस्ते दाम पर देश विदेश में पहुँचाने का अभियान शुरू किया है जो आज भी लगातार जारी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल और उत्पाद प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा, समाचार वाले ग्रुप में है
होता है मतलब नहीं मिल पाता है। आखिरी मर दो लंबे वाले पुस्तकें हैं, इसलिए इतना डिटेल बता पाना संभव नहीं है।
दो रुपया है क्या सबसे कम? 50 पैसा हो गया। गीताजी 700 श्लोकों में है और ये पूरी ही पूरी गीताजी 50 पैसे का एक पन्ना है जिसमें सारे श्लोक हैं और उससे लेकर के और गीता की बृहद टीकाएँ भी हैं जो लगभग 500 रुपये तक भी जो है हम इसको ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, इसलिए ये कह पाना कि किन किन धर्मों में जाती है ये संभव नहीं है, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्व स्वीकारता जिसकी पूरी दुनिया में मानी जाती है, इसलिए हर धर्म के लोग इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और हिंदू धर्म में तो ये स्वाभाविक रूप में प्रायः हर घर में मिलती है। गीता प्रेस का स्थापना श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो इसके पूर्वधा कह सकते हैं, जिनके समय में जिनके द्वारा गीता प्रेस की स्थापना हुई और इसके बाद तमाम संत गीता प्रेस से जुड़ते गए, जिसमें हनुमान प्रसाद जी पुक्तार का नाम प्रमुख रूप से आता है एवं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जो कि काफ़ी समय तक गीता प्रेस से जुड़े रहे और जिनके समय में गीता प्रेस का गीता की पुस्तकों का बहुत प्रचार हुआ और अनगिनत संत ऐसे हैं जो हमारे कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस से जुड़े रहे और उनके लेख कल्याण में प्रकाशित होते रहे जिससे लोगों ने बहुत लाभ उठाया और आज भी उठा रहे हैं। गीता और गीता प्रेस की तमाम पुस्तकें लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में 21 ब्रांच हैं जहां से हम बुक सेलर्स को अपनी पुस्तकें देते हैं और लगभग 3000 की संख्या में बुक सेलर हैं जिनके द्वारा जन जन तक पुस्तकें सारे हिंदुस्तान में और अन्यत्र पहुँचती हैं और एवं 52 स्टेशन स्टॉल हमारे हैं जहाँ पर प्रायः पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं और यात्रा में जाने आने वाले लोग उनसे लेकर के लाभ उठाते हैं। पुस्तकों की छपाई जैसे जैसे गीता प्रेस 1923 की स्थापना थी और आज 2019 चल रहा है, 1923 और 2019 लगभग 96 वर्ष का समय बीत चुका है, तो निरंतर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता गया उस टेक्नोलॉजी को हम लोग अपना करके आज सबकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और जो भी चीज़ें नहीं आती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको हम लेने की कोशिश करते हैं, तभी आज इतने तरह की पुस्तकें जन जन तक उपलब्ध हो पा रही हैं। कई भाषाओं में गीता जी तो लगभग 15 भाषाओं में छपती ही है, इसके अतिरिक्त भागवत रामायण ये भी कई भाषाओं में छपी हैं एवं अन्य कुछ भाषाओं में जिसमें नहीं छपी है उसमें कार्य चल रहा है, कार्य पूरा होने पर उसमें भी छापने का प्रोग्राम में है, जो कि इसके पहले भी हमारे यहाँ से छपा है लेकिन अलग अलग ढंग से छपा है, किसी संस्करण में तो उसका केवल अर्थ गया है, किसी में मूल रामायण है, किसी में मूल शिव पुराण है एवं किसी में केवल श्लोक हैं, इस रूप में कई संस्करण हमारे हैं लेकिन वर्तमान में शिव पुराण मूल एवं उसका अर्थ एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है दो खंडों में, जो कि जिससे कि पाठकों को एक पास संस्कृत एवं उसका अर्थ उपलब्ध हो जाए, इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से हो रही थी और अब यह संभव हो पाया है कि हम उसे जून महीने में या जुलाई महीने में पाठकों को उपलब्ध करा देंगे। मेरा नाम लालमणि तिवारी है, मैं यहाँ प्रकाशन की व्यवस्था देख रहा हूँ। गीता प्रेस के विषय में अगर बहुत संक्षिप्त रूप में हम आपको बताएं तो ये बताएं कि गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी गोविंद का थे, वो गीता बहुत पढ़ते थे, गीता के 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में पढ़ते समय जब उनको ये लगा कि गीता के प्रचारक से बढ़ के मेरा कोई परिवर्तन है न होगा, तो गीता के प्रचार में लग गए और यही गीता प्रेस के स्थापना के पीछे उद्देश्य था। गीता उन्होंने छपवाया था, कुछ अशुद्ध छप रही थी तो इसके आधार पर उन्होंने ये सोचा कि शुद्ध छापने के लिए अपने प्रेस की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अपना प्रेस लगाया यहाँ। और जब प्रेस लगाया था तो उस समय लेटर प्रेस हुआ करता था, छपाई बहुत कम हुआ करती थी, क्वालिटी पुस्तकों की बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन 1923 से लेकर आज तक जैसे जैसे मशीनों का आधुनिकरण होता गया, गीता प्रेस भी अपनी पुस्तकों की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आधुनिक मशीनों को लगाता गया।
आज हमारे पास छपाई के लिए जो आधुनिक मशीनें वेव ऑफसेट हैं उस पर काम हो रहा है, सिलाई के लिए विदेशी मशीनें हमारे पास इटली की भी हैं, हमारे पास जर्मन की भी हैं, छपाई के लिए हमारे पास मशीनें जापान तक से हम लोग आयात किए हैं ताकि हम अपनी छपाई की क्वालिटी को और लोगों की मांग के अनुरूप प्रोडक्शन फास्ट करें, ये उद्देश्य बराबर बना रहता है। हम इस समय लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं, 15 भाषाओं में छाप रहे हैं। भाषाओं में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तो मुख्य ही है, इसके अलावा दक्षिण भारत की चारों भाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, मध्य भारत की गुजराती और मराठी, इसके बाद पूर्वी भारत की असमिया, बंगला और उड़िया, पंजाबी, उर्दू, नेपाली। इस तरह से हम पूरे संपूर्ण भारत को एक साथ अपनी पुस्तकों का परिचय कराने के उद्देश्य से उनकी भाषाओं में पुस्तकें प्रचारित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं के प्रचार के लिए अपनी शाखाएं भी हैं। गोरखपुर को छोड़ दें तो गोरखपुर के बाद 20 शाखाएं हमारी भारतवर्ष के अंदर और हैं, जहाँ से गुजराती पुस्तकों के लिए हमारे पास सूरत में है, मान लीजिए तेलुगु पुस्तकों के लिए हमारे पास हैदराबाद में है, तो बंगला पुस्तकों के लिए प्रचार के लिए हमारे पास कलकत्ता में है, उड़िया पुस्तकों के प्रचार के लिए कटक में है। इस तरह से विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के प्रचार के लिए हमारे पास अलग अलग प्रदेशों में शाखाएं हैं और जहाँ से हम वहाँ के बुक सेलरों को पुस्तक उसी कीमत पर उपलब्ध करा पा रहे हैं जिस कीमत पर हम गोरखपुर से दे देते हैं। ये गीता प्रेस का कुल मिला के संक्षिप्त इतिहास रहा है और अभी वर्तमान में इस वर्ष में हम लोगों ने कुछ बड़े बड़े काम किए, जैसे कि हम लोगों ने महाभारत को तेलुगु भाषा में छापा 7 खंडों में, जिसकी बड़ी मांग रही। गुजराती में हम लोगों ने छापा श्रीधरी टीका, श्रीमद् भागवत की श्रीधरी एक बड़ी महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है, तो उस भागवत में हम लोगों ने संपूर्ण श्लोक संस्कृत के जो संस्कृत में दिए, श्रीधरी टीका संस्कृत में दिए और श्रीधरी टीका का अनुवाद हम लोगों ने दिया गुजराती। अभी जो हमारा सबसे प्रमुख काम चल रहा है उसी पुराण पर चल रहा है। इसके पहले हमने विवाह संस्कार पर पुस्तक छापी, उपनयन संस्कार पर पुस्तक छापी, कर्मकांड की बहुत सी पुस्तकें हम लोगों ने छाप रखी है ताकि उसका लोप न होने पाए। शिव पुराण का जो काम चल रहा है इसमें यह है, इसके पहले 1962 में संक्षिप्त शिव पुराण कल्याण में प्रकाशित हुआ था, तब से इसकी मांग थी कि शिव पुराण को मूल श्लोक के साथ प्रकाशित किया जाए, योजना नहीं बन पा रही थी। अभी 2 वर्ष पहले कल्याण के विशांक रूप में शिव पुराण का केवल अर्थ प्रकाशित किया गया था, फिर ये आया कि शिव पुराण मूल हमारे यहाँ प्रकाशित है, उसका अर्थ प्रकाशित है, तो क्यों न पाठकों को देखते हुए हम उसको संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित करते हैं। वो काम हमारा प्रकाशन, एक खंड हमारा प्रकाशित हो गया है, दूसरा खंड हमारा प्रकाशित हो रहा है। लगभग 15 जून तक ये पुस्तक हम लोगों को उपलब्ध कराने की स्थिति में हो सकते हैं। इस तरह से एक लगातार एक प्रक्रिया है पुस्तकों के प्रकाशन की, अनुवाद कराने की, सारी चीजों की प्रक्रिया।